मंगवाए हैं वाटर पम्प, यहाँ का लंगर वगैरह बहुत मशहूर है, तो अभी हमने ऑर्डर किया है, जब तक ऑर्डर नहीं आता तो तब तक हम यहाँ पे बैठ के ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने सोचा तो लंगर आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है और इसका टेस्ट भी कैसा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इनका एरिया बहुत साफ है जहाँ ये बना रहे हैं। गाइस आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने जिंगर ऑर्डर किया है, 150 का ये जिंगर है। हमें हम सुनकर बहुत आए थे ये जिंगर का, तो इसका आप साइज़ चेक कर सकते हैं कि 150 में इनका साइज़ है। मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसा है, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरी तरह बनाया हुआ है। तो इनका जो जिंगर है बहुत मज़े का और इन पैसों में बहुत रिजनेबल है, और प्राइस भी अच्छे थे, सब चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। तो अब हम जिंगर खा चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। हमने इनका कुल्फा ऑर्डर किया है, क्रंच कुल्फा ऑर्डर किया है, तो वो हम देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी लोग यहाँ पे आकर खा रहे हैं और इनका काफ़ी फेमस है। तो हमारा ये कुल्फा आ चुका है, आप देख लें, 60 रुपीज़ इसके प्राइस हैं और बहुत बहुत मज़े का था। आप लोग ख़ुद जो कराची में रहते हैं, वाटर पम्प की मेन मार्केट है गारमेंट्स की, उसके बीच में इनका ये छोटा सा आउटलेट है, बहुत मज़े का होता है, आप लोग ज़रूर आके ट्राई कीजिएगा। तो अब हम जो हैं वाटर पम्प से जा रहे हैं ब्लॉक 15, वहाँ पे भी एक हमने जिंगर का ऐड देखा था फ्राइज इन द बॉक्स के नाम से, तो अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ का भी जिंगर बहुत मज़े का है। तो वहाँ जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, तो फिर अब हम वहाँ जाकर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं फ्राइज़ इन द बॉक्स, ये ब्लॉक 15 में लोकेट करता है, गैलेक्सी फूड पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट है। अभी इन्होंने थोड़ा नया खोला, इनका छोटा सा केबिन टाइप का सेटअप है, लेकिन थोड़ी सी बैठने की भी जगह है, लेकिन ये लोग हमें बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ बैठ कर नहीं खा सकते क्योंकि डाइन इन अवेलेबल नहीं है कोविड-19 की वजह से। तो फिर हमने इनसे टेक अवे ले लिया था। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोग देख लेंगे, सिटिंग एरिया बहुत छोटा है पर बहुत अच्छा इन लोगों ने चीज़ें मैनेज की हुई हैं यहाँ पर। तो मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ। तो ये मैं ले आई हूँ, इनका जिंगर था विथ फ्राइज था, 150 का था, ये भी सेम प्राइस है। तो मैं बताती हूँ कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा था। मैं इसको निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका भी साइज़ वगैरह बहुत अच्छा है, फ्राइज़ भी अच्छी क्वान्टिटी में है, चीज़ें अच्छी हैं, और इनके साथ भी कोई सॉस वगैरह नहीं है, सब कैचअप भी है, लेकिन इनके फ्राइज़ का साइज़ बहुत अच्छा है। फ्राइज़ सॉगी नहीं थे, क्रिस्पी थे। और बर्गर मैं इनको दिखाती हूँ आपको, पहले फ्राइज़ वगैरह सब निकाल लूँ, फिर मैं आपको पूरा प्लेट में प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कैसा कैसा लग रहा है और टेस्ट में भी कैसा है, ये भी बताऊँगी खा के। काफ़ी अच्छा इनका सेटअप था वहाँ का, और इंशाल्लाह टेस्ट में भी अच्छा ही होगा। मैंने एक बार और भी खाया हुआ है पहले, तो अच्छा था काफ़ी। तो ये मैंने चीज़ें आप लोग देख सकते हैं निकाली हैं, प्राइस की क्वांटिटी देख लें, 150 में प्राइस की क्वांटिटी भी अच्छी है, और इनके बर्गर का साइज़ भी देख लें आप लोग, तो ये भी बहुत अच्छा है। हम बड़े बड़े आउटलेट से खाते हैं यही चीज़ें 400-400 रुपये की लेके जिंगर के नाम पर, तो इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा, इनका आप ये देख सकते हैं बन कितना फ्रेशली बेक्ड लग रहा है, और इसका क्रिस्प कितना अच्छा है, जो इनका पैटी है अंदर के चिकन की, ये इसका क्रिस्प बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल जैसे हम खाते हैं ना जहाँ 400-500 के बर्गर, उसकी तरह ही हैं, लेकिन इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 150 थे। मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा है, ये स्टिल बहुत गर्म हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा और फ्रेश है, और आप लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि 150 का दे रहे हैं तो सिर्फ कोटिंग ही हो, इसके अंदर चिकन भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, चिकन भी पूरी है, प्राइस की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, केचप है, और ये लोग सॉस भी देते हैं, शायद सॉस के प्राइस अलग होते हैं, बट इनका जो मेन जिंगर की बात करें तो इनका जिंगर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर आप लोग कराची में जो लोग रहते हैं वो ऑर्डर भी कर सकते हैं उनको, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जो रहते हैं कराची में वो आकर खा भी सकते हैं और टेक अवे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल डाइन इन तो अवेलेबल नहीं है इनडोर। तो ये आप लोग इसकी क्वांटिटी देखें, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके
दिया है, मतलब ये नहीं 150 में से बर्गर दे दिया या उल्टा सीधा दे दिया। बड़ी बड़ी आउटलेट्स पे सेल लगती है, वो लोग दे रहे होते हैं लेकिन उनकी चीज़ें इतनी थर्ड क्लास आती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा था और फ्राइज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और फ्राइज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, कोई मतलब उल्टे सीधे नहीं थे या सॉगी नहीं हो रहे थे, क्रिस्पी थे, एंड तक क्रिस्पी थे। तो बहुत अच्छा है, मैं तो इनको 10/10 दूँगी। आप लोग मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।